जो कि आप क्राउड देख सकते हो, इसी से समझ लो कि धनतेरस का लोग कितना अच्छा से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हुआ कोक ब्रांड। हाँ, ये देख सकते हो गाइस, सब कोक ब्रांड है। और इसका प्राइस इस बार कितना पड़ रहा है? इस बार इसका प्राइस 60 रुपया है। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपने एरिया के शक्ति मार्केट में। और बेसिकली शक्ति मार्केट में आप लोगों को इसलिए लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि दिवाली में हम लोग जब भी मार्केट करते हैं तो मार्केट का जो भाव होता है वो हम लोग देखेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। और पता चला है कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो एक सामान को लेने के लिए कितना बार्गेनिंग करना पड़ता है, एक दुकान से दूसरे दुकान जाना, यही सब चीज़ है दीपावली का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो चलिए, साथ ही साथ मैं अभी आप लोगों को शक्ति मार्केट लेके चलता हूँ और वहाँ से दिखाऊँगा अपना मार्केट का माहौल। ये है हमारा बुधनी अटिया का माहौल जो कि धनतेरस पूजा में आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा लड़ी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनसे पता करते हैं दिया का रेट क्या है, कि दिया का रेट क्या है। ये वाला 70 रुपये का 100, और वो सब जो ऊपर में मूर्ति है वो वाला मूर्ति, एक रेट बताइए ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा शक्ति मार्केट का फर्स्ट शॉप, और यहाँ पे आप की क्राउड आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, और तरह तरह की मूर्तियाँ और यहाँ पे सब कुछ बिक रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे हम लोग कुछ प्रोडक्ट का, ताकि पता चले कि हम लोगों को क्या रेट है वहाँ का। ये यहाँ पे लगा हुआ है अपना गुप्ता वस्त्रालय, जहाँ पे है आपका पटाखा का शॉप। तो गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं सत्यम का, मेरे एक दोस्त है जिसका अपना कॉप है पटाखा का, वहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊंगा पटाखा और बार्गेनिंग भी करवाऊंगा। और साथ ही साथ आप पीछे का माहौल देख सकते हो, यहाँ पे है आपका लगा हुआ इधर आपका बहुत सारा चीज़ है जो कि आप क्राउड देख सकते हो, इसी से समझ लो कि धनतेरस का लोग कितना अच्छा से यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। और इसी वाले शॉप में अरविंद भैया का अंदर में यहाँ पे अपना शॉप है कपड़ा का, जो कि मैं आपको एक दिन वहाँ पे भी ब्लॉग बनाऊंगा। और चलिए, भी अभी आपको मैं मिलाता हूँ सत्यम से। कौन सा ब्रांड का कपड़ा का तुम लेकर के आया, थोड़ा बता। हाँ, हम यहाँ पे मुर्गा छाप कॉक ब्रांड हो गया, इंडिगो हो गया, बालाजी हो गया, और आपको फिर लोकल माल भी कुछ रखते हैं फिर मोबाइल के लिए। बाकी ऐसे मेरे पास अधिकतर सब कॉक ब्रांड ही होता है, हम यहाँ पे लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं, ठीक है। मेरा फीडबैक भी सारा अच्छा ही आता है। पटाखा तुम लेकर क्या है? हाँ, एकदम। ये देखिए, ये हुआ कॉक ब्रांड। हाँ, ये देख सकते हो गाइस, सब कॉक ब्रांड है। और इसका प्राइस इस बार कितना पड़ रहा है? इस बार इसका प्राइस 60 रुपया है। और हाँ, ये पूरा मार्केट में 70 रुपया दे रहा है, पर हम इस मार्केट में कम से कम 10 रुपया कम ही बेचते हैं, सब चीज में 10 रुपया कम, 15 रुपया ऑनलाइन में परचेज करने। हाँ मैम, हम ऑनलाइन भी पेमेंट लेते हैं, ऑफलाइन भी पेमेंट लेते हैं, दोनों पेमेंट मेरे पास उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज करोगे तो उसके उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आता है। जी जी। हाँ, तो ये तो हो गया मिचैया पड़ा का, जिसका प्राइस एक और है। देखिए मिचैया में फिर ये भी है बालाजी इंडिगो का है, ये भी बेस्ट आ रहा है अभी। और भी बहुत सारा पड़ाका है यहाँ पे, जैसे ये देखिए 7 स्टार हो गया, 7 साउंड हो गया कॉक ब्रांड का। इसका प्राइस मात्र 45 रुपया है। हाँ। मार्केट में इसका रेंज कम से कम 60 रुपया जा रहा है। और अभी ये करीबन अभी से लेकर के छठ पूजा तक ये पटाखा बेचेगा, तो इसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जिन जिन लोगों को, जो लोग धनबाद और भूली से देख रहे होंगे, वो आकर के यहाँ से आप परचेज करें और पटाखा के लिए टेंशन ले लेना। पटाखा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ का। और अब जैसा कि हमारे पास ये दिखा सकता है, ये फिर हो गया कि ये छुछुड़िया जिसको बोलते हैं हम लोग, रेड कलर का है ये। यहाँ मेरे पास ये 90 रुपया का बिक रहा है, और ये पूरे मार्केट में 120 रुपया 130 रुपया चल रहा है, और बच्चे ठीक है? जो ये है, ये सब छुड़छुड़िया मेरे पास 30 रुपया का भी है, अशोक ब्रांड का है, 40 रुपया का है, रेड कलर है, 4 कलर का भी है हमारे पास। हमारे पास मतलब डिफरेंट साइड से बहुत चीज है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको ऐसा नहीं सोचोगे कि आपको कोई पटाखा नहीं मिलेगा, इसके पास सब वैरायटी है। तो आप जब भी आओ यहाँ पर ले लो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं चलिए आपको मैं फिर से बता दूँगा, तुम्हारा नंबर कौन सा एक बार रिपीट कर दो तुम। 9608704267, ठीक है। और मैं फिर से एक बार डाल दूँगा वहाँ पे नंबर, आप वहाँ से देख सकते हो नंबर। तो मैं लास्ट टाइम आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे पटाखा, सत्यम भाई का पटाखा, और यहाँ का सिटी मार्केट का माहौल। तो और ये प्लेस आप देख सकते हो, जस्ट ये जो परफेक्ट सैलून का अपोजिट में, ये हर साल यहाँ लगाता है। और ऐसा नहीं है कि इस बार यहाँ लगा रहा है, दूसरा बार यहाँ लगाएगा, हर साल यहीं पे ये लगाता है, ठीक है। बेस्ट परचेस रेट पे, अच्छे रेट पे मिलेगा। हाँ,
मार्केट में मिल गए हैं अरविंद भैया, और अरविंद भैया बताएंगे अभी हम लोगों को धनतेरस के बारे में, क्योंकि बेसिकली अरविंद भैया का यहाँ पे शक्ति मार्केट है, तो उनको मेरे से ज़्यादा पता है यहाँ का शक्ति मार्केट के बारे में। तो चलिए मिलाते हैं अरविंद भैया से। और अरविंद भैया का शक्ति मार्केट में यहाँ पे कपड़ा का दुकान है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था, तो एक दिन वहाँ पर भी चलेंगे। तो चलिए मिलाते हैं पहले अरविंद भैया से, और अरविंद भैया का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि वो बताएंगे ये अपने तरीका से कि क्यों धनतेरस और दीपावली में हम लोगों को शॉपिंग खुद से करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं अरविंद भैया से। हेलो सोहेल, जैसा तुम देख रहे हैं ना, मार्केट आने के टाइम में भी काफ़ी रश दिखा, बाइक खड़ा करने का जगह नहीं है यहाँ पर, एवरी थिंग अवेलेबल है, लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग ना हर एक स्टेप बाय स्टेप को ना इंजॉय कर रहा है, और एक्चुअली फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी यही होता है। तुम अगर कुछ ये सोच रहा है कि ऑनलाइन पटाखा मंगवा कर कोई डिलीवरी बॉय, कोई कुरियर कंपनी तुमको तुम्हारे दरवाजा पर प्रोवाइड कर देता है कोई पटाखा को, तुम सिर्फ उसमें आग लगाकर उसका अगर साउंड ही सुनना, अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है या तो अपना हेडफोन कान में लगाओ और किसी भी साउंड को लाउडली सुन लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब आज दो दिन तीन दिन पहले लोग घर का सफाई किया, उस थकावट के बाद भी आज धनतेरस में अपने हाथ से सामान को टटोल कर बार्गेन कर जो सामान को खरीद रहा है, फिर उसको रखना, फिर उसको दो दिन के बाद यूज करना, आज कुछ पटाखा कुछ फुलझड़ी जैसा कि देख रहे हो कि कुछ लोग टेस्ट भी कर चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये आवाज़ होता कैसा है, जो फूटे भी ना। अभी रिसेंट में बारिश भी खत्म हुआ है तो वो एक टेस्टिंग का एक अलग ही मजा है। कुछ लोग बोल रहे होगा कि अरे यार इसमें और दमदार आवाज़ दो, तो कुछ बोल रहा होगा भाई बहुत महंगा है इससे कम वाला लो। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप कोई दुकान में परचेस करते हो तो जब तक आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो किसी भी प्रोडक्ट का आपको वैल्यू तो पहले से ही लोग के पास पैसा होता है, वो वैल्यू देने के लिए आता है, लेकिन वो ना वो मजा लेता है। सही बात है। ऐसा थोड़ी है यार कि अगर तुम किसी सामान को अगर 300 रुपया दे रहा है तो 315 रुपया तुम्हारे पास नहीं होगा, 15 रुपया है, लेकिन उसका जो मजा है ना सामान खरीदने में और घर में ले आने के बजाय खुशी कि यार हम तो बहुत रिजनेबल प्राइस पर ले लिए, वो मजा खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देख सकते हो जो कि जैसे कि यहाँ पे जितने भी प्राइस है जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। इससे भी खास बात क्या है ना, परचेजिंग करने का तरीका जो लेडीज लोग का होता है वो एक अलग ही होता है, मतलब हर एक चीज़ में नुक्स, और तुम हर दुकानदार के प्राइस में ना कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देना कि नहीं भैया आपका इतना ज़्यादा है इतना ज़्यादा वो तो इतना में, जबकि दुकानदार को पता है कि आगे का सारा तीन का तीन दुकान उसका ही है, वो अगर जो लेडीज उसके शॉप पर जिस चीज़ का बार्गेन कर उसको श्योर कर रही है कि इस चीज़ का दाम वहाँ पर 100 रुपया था, आप हमको 115 में दे रहे हैं, एक ही शॉपकीपर का वो तीनों दुकान है, लेकिन उसके बाद भी वो शॉपकीपर बार्गेन करता है क्योंकि पता है कि वो ये नेचर है, वो ये लोग इंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमको 3 घंटा 4 घंटे का हमको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, उस बीच में हमको सामान लेना है कुछ खाना। एक और ख़ास बात बताते हैं सोहेल तुमको, जो इवन तुम भी फील किया होगा, बाकी लोग भी फील करते हैं, तुम समोसा डोसा हर एक दिन खाता है, लेकिन आज के दिन जो वो 4 घंटा 5 घंटा काफ़ी मशक्क़त के बाद जो खरीदारी करने के बाद ना एक निवाला समोसा का एक निवाला डोसा का जो इन्जॉयमेंट है ना वो शायद ही कहीं अवेलेबल होता है। और वही ऐसे अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था तो मैं देखा कि दिया जो था अमेजोन पे आई थिंक 20 पीस था, उसका दाम 150 रुपये, और मैं अभी डेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर लेकिन ये वाला दिया ये वाला 70 रुपये का 100 देख सकते हो कितना है, इतना क्राउड है गाइस आज धनतेरस के दिन की यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है आगे से पीछे, और अभी हम लोग हैं हम और अरविंद भैया पैदल, और पैदल चलने का जगह नहीं है,